सीखेंगे मात्र तीन स्टेप में काम का रिकर्सन बैलेंस करना। चलिए स्टार्ट करता है पहला स्टेप। सबसे पहले स्टेप क्या करता है, मैं इसको डिवाइड करूंगा, जो वैल्यू है सारी की सारी यहाँ पे नोट करूंगा, LHS एंड RHS, देन जिंक वैल्यू इज 1, ऑक्सीजन इज 1+3 टोटल 4, देन हाइड्रोजन इज ओनली 1, देन नाइट्रोजन इज 1। क्लियर, अब यही काम आप इस साइड पर कीजिए। जिंक इज 1, ऑक्सीजन 3 × 2 = 6 प्लस का 1 = 7, देन हाइड्रोजन 2 दे रखा है, देन नाइट्रोजन 2 दे रखा है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन दे रखी और इसके जो वैल्यू दे रखी आप देख सकते हैं, ये होता है काम स्टेप नंबर 1 में होता है। अब आते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 2 और पता लगाते हैं काम करके उसमें बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। चलो चेक करते हैं, जिंक 1 सेम है, ऑक्सीजन 4 यहाँ 7 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 2 डिफरेंस है, नाइट्रोजन 1 और 2 डिफरेंस आ रहा है। तो ये इक्वेशन क्या है, दोनों साइड के जो नंबर है कंपेरिजन किया और पता चला कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। अब आते स्टेप नंबर 3 आती है एंड मैं यहाँ पर छोटे से ट्रिक यूज करूँगा जो क्या होगा आपको बेहद आसान लगेगी और केमिकल इक्वेशन आप भी कहेंगे इतनी आसान होती है क्या। चलिए देखिए मैं कौन सा ट्रिक यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो नाइट्रेट है ये पूरे का पूरा होल ट्वाइस है, यहाँ पर क्या करें यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ नाइट्रोजन में कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन में 3 × 2 = 6, देखिए यहाँ पर 6 किया एंड 1 पहले से था, अब क्या हो गया यहाँ पर 7 हो गया, जिंक इज 1। अब देखिए यहाँ पर जिंक 1 सेम, ऑक्सीजन 7 सेम, हाइड्रोजन 2 सेम, नाइट्रोजन 2 और 2 सेम हो गया। तो आप देख सकते हैं सारे सारे नंबर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मीन्स ये हमारी केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है और आपने सीखा मात्र एक छोटी सी ट्रिक से आप कह सकते हैं कि वाकई इतनी आसान होती है। तो मैंने सिखाया आपको बहुत आसान तरीके से, अगर आप भी चैनल पहली बार आए तो आप भी बहुत आसान तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।